ब्रेन स्ट्रोक या फिर सीडीए, एक ऐसा बीमारी जिसका नाम सुनते ही हम सब डर जाते हैं। हम सोच लेते हैं कि शायद इसके आगे जिंदगी थम जाएगी। तो आज हम देखेंगे एक ऐसे पेशेंट की कहानी जो स्ट्रोक से सिर्फ रिकवरी नहीं किया बल्कि अभी लाइफ में पहले जैसे धीरे धीरे वापस जा रहे हैं। मोनी दास हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आई लगभग फरवरी के महीने में। तब हमने देखा कि इनकी चलने की क्षमता, हाथ और पैर की बैलेंस बिल्कुल ना के बराबर थी। इसके साथ रोज का काम, जैसे बटल से पानी पीना हो, पेन से लिखना हो या फिर चीज़ों को पकड़ना, फ़ोन को कान पे लेना, इस सब कुछ नहीं हो पाता था। खुद अपना ड्रेस, जूता पहनना भी इनसे ना हो पाता था। अब हम लोगों ने फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में अच्छे से इनका असेसमेंट करने के बाद इनका रिहैबिलिटेशन प्रोसेस चालू किया, जिसमें हम लोगों ने एक और इनका कमर का जोर बढ़ाना, सिनर्जी पैटर्न को ब्रेक करना, हाथ और पैर की फंक्शन को इम्प्रूव करना, इन सब पे तो जोर दिया। वहाँ दूसरी ओर साथों साथ हमने इनका चलने पे भी फोकस किया, चलना इंडिपेंडेंट करवाया, चलने की गति बढ़ाई, साथों साथ चलने की टाइम गिरने की समस्याएं भी कम करवाई। इनके इस रिहैबिलिटेशन की जर्नी में हम लोगों ने बोबा थेरेपी, जो कि एक प्रकार का न्यूरो डेवलपमेंटल थेरेपी है, उसका इस्तेमाल किया। अभी वो एक आम इंसान की तरह ही अपने से पानी पीना, पेन से लिखना, चीज़ों को पकड़ना, फ़ोन से बात करना या फिर अपना ड्रेस, जूता खुद पहनना बहुत आराम से कर लेती। अब पेशेंट से खुद ही सुन लेते हैं पेशेंट क्या कहते हैं। आपने एबार सुने नी आमार साथे जिनी आछेन तिनी कि अनुभव करछेन গত দু তিন মাস ধরে আমাদের ডিপার্টমেন্টে ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা নিই। আমার নাম মণি দাস, আমি 27 জানুয়ারি একজন স্ট্রোক হয়ে পেশেন্ট, একজন ফেব্রুয়ারি মাস থেকে আমি এরকম আসছি। আমি কিছুই পারতাম না হাতে কোনো কাজ করতে, তারপরে ফিজিওথেরাপি ক্লিনিকে এসেও আমি ভালো আছি, ব্যালেন্সও এনে দিয়েছেন স্যাররা, বসতে বসে পটি করতে পারতাম না, হ্যাঁ সেটা এখন সমস্তটাই পারি। তারপরে ঠাকুর ঠাকুর দেওয়া, খাওয়া বসা, উঠে বসা কিছুই পারতাম না, সেখানে আমি এখন সবই পারছি মোটামুটি। একটা গতি আগের থেকে অনেক স্পিড বেড়েছে, আমার ব্যালেন্স ছিল না, সেখানে আমার ব্যালেন্সও এসেছে, দাঁড়াতেও অসুবিধা ছিল, দাঁড় ব্রাস করতেও পারতাম না, নিজে নিজে সব কিছুই করতে পারছি, কিছু পারতাম না। ঠিক আছে, তো আপনি দেখা কি এক স্ট্রোক পেশেন্ট ভি আপনি নর্মাল লাইফ মে ধীরে ধীরে বাপস যা সকতে, बस उनको ज़रूरत है प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर रिहैबिलिटेशन की, जो हम NILD के फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में प्रोवाइड करते हैं। तो आप भी अगर एक स्ट्रोक पेशेंट है या ऐसे किसी को जानते हैं तो NILD में आप भी आ सकते हैं और आधुनिक चिकित्सा का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। इट डज नॉट मैटर how slow you go, as long as you do not stop.